दोस्तों नमस्कार। और बताए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ रहना स्वस्थ मस्त और अच्छे रहना। तो देखिए दोस्तों, हमारी बहन आ रही है जो कि अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है? आप लोग ऐसे वीडियो में बना। तो देखिए दोस्तों, हमारी बहन आ गई है जो कि कब से हम फोन कर रहे हैं उठा नहीं रही थी, क्योंकि बहुत दूर से आ रही थी ना, इसके लिए सामान उमान ली थी, तो फोन शायद उठाने का नहीं मौका मिल रहा था। तो अभी ऐसे आप लोग रहिए, अभी दिखाते हैं वो लोग आ रहे हैं, ठीक है? दोस्तों अभी तो गाड़ी उड़ी खड़ा करने गए हैं पीछे, अभी धीरे से अभी आएंगे, अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी लोग जा रहे हैं शबनम को लेने के लिए, जो कि आई हुई हैं, वहाँ पे रुकी हुई हैं। देखिए ऋषि भी जा रहा है, परी भी जा रही है, उसका पापा भी जा रहा है। तो आप लोग ऐसे बने रहिए, अभी हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, शबनम आ गई जो कि कब से हम इंतजार कर रहे थे इनका, जो कि अभी को आई हुई है। और देख लीजिए कितना सारा सामान लेकर आई है, और एक झोला उधर है, और वहां पे उनके हस्बैंड जी है। तो देखिए दोस्तों, शबनम कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहो, खुश रहो। दादा तो दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर बहुत शबनम को खोज रहे थे, ये तो ये देखिए दोस्तों आ गई हैं शबनम जी। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी आ गई हैं, और ये है इनके हस्बैंड जो कि शबनम जी का, और यहाँ पे है शबनम। तो दोस्तों देख सकते हैं, शबनम जी का लेकर आई अपने दीदी के लिए। दोस्तों देखिए, नेवसा कितना ज्यादा लेकर आई हैं, और पूरा छील उल के लेके आई हैं यहाँ पे नेवसा। हमारे यहाँ आप लोग देखे थे कि खा रही थी वैसे छील छील के, और शबनम पूरा छील बना कर लेके आई है। सोच रही है कि हमारी दीदी को मेहनत नहीं करना, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं नानी के यहाँ दोस्तों, इसके लिए लेके छील के आए हैं कि जल्दी जल्दी खा। हम लोग खाली उबालेंगे और खा लेंगे। सारा लेकर आई है, यहाँ से देखिए इतना दूर से सामान ढो के हम लोग बोले थे लाइएगा नहीं, खाली नेवसा लाइएगा, क्योंकि बहुत दूर है दोस्तों। हाँ, बाकी तो सब मिल जाता है दोस्तों। अभी हम लोग जाएंगे सरखी के समय में। हाँ दोस्तों, वहाँ पे धान फूट रहा है, सोचिए आप इस समय में कहाँ पे धान फूटता है, वहाँ पे धान। दो दो फसल काटा ना सब, दो फसल, एक फसल अब्बा काट ली है, एक फसल फिर जूर तब हो दी है। दोस्तों हमारे बहुत सब्सक्राइबर शबनम को पसंद करते हैं, बोला हेलो दोस्तों। हमारे सब दोस्तों को नमस्कार कीजिए, आपका बहुत नाम करते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत खोज रहे थे शबनम को ना, तो लीजिए शबनम आ गई, लीजिए बात कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा आप लोग की क्या बात करना चाहते हैं आप लोग, क्या नहीं, तो अभी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आप लोग कैसा लगा शबनम हमारे घर आई है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रहा है, अब आप लोग बताइएगा। और दोस्तों आप लोग इनका डांस देखिएगा, क्या डांस हाँ। नहीं आता है बस दोस्तों, इनका चैनल बहुत जल्द बनने वाला है, जो कि हम लोग अभी सोचेंगे कुछ कि क्या नाम रखे चैनल का। तो अभी हम लोग जाएंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे, तो हम लोग अपना इनका चैनल का नाम रखेंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे। तो आप लोग इनको बहुत ज्यादा प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि ये हमारी वाइफ से ज़्यादा तो इनका नाम है यूट्यूब पे, क्योंकि ये बहुत दिन से यूट्यूब पे रहती हैं, इसके लिए इनका सबसे ज़्यादा नाम है, और इनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हमारे पे बहुत इनके बारे में कमेंट करते हैं। और यहाँ देखिए, जब से आ गई हैं तो उनके तैयारी में लगी हैं। अरे हम फ्रिज में नहीं रखे जाते, देखिए दोस्तों यहाँ पे लहसुन प्याज सभी लेके आई हैं। अभी इसको गिराएंगे तो हम दिखाएंगे। हाँ, अभी तो
दोस्तों सुबह से सोचिए आप लोग कि सुबह से निकली हैं, अभी को पहुंची हैं। और ये हैं इनके हस्बैंड, जो आप लोग देख लीजिए, इनके नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है, जो कि अवध है, अवध नाम से है इनका चैनल पूरा नाम है ना। तो दोस्तों इनका इंस्टाग्राम पे अभी अवध 6525 है, तो उनका चैनल का नाम अभी चेंज होगा इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि बताया जाएगा दोस्तों कि आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से सब बताया जाएगा। तो आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिएगा, हाँ, और वाच करते रहिएगा, अपना प्यार दुलार देते रहिएगा। और हमारे घर आई हैं शबनम, तो कैसा लगा है आपको? हमको बहुत अच्छा। तो अभी दोस्तों हम लोग जाएंगे रजनी के पास, जो कि फिर वहां से रिटर्न आएंगे, तब जाएंगे फिर इनके भैया के घर। तो चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।